हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बाड़मेर जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत बालोतरा में 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को एसीबी की बाड़मेर टीम ने बालोतरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाड़मेर एसीबी की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की और बालोतरा में जलदाय विभाग के अधिशासी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी की शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने सत्यापन करवाने के बाद कार्रवाई को अंजाम देते हुए रविवार को अधिशासी अभियंता को जय प्रकाश गुप्ता, जिनका नाम है, उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया है। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुंडा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जल जीवन मिशन अभियान के तहत होने वाले कार्य के बिल पास करने की एवज में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता जय प्रकाश गुप्ता रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर ट्रेप की कार्रवाई करते हुए रविवार को परिवादी से 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अधिशासी अभियंता जय प्रकाश गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 6 जून को परिवादी से 2,00,000 रुपए वो पहले ही ले चुके हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रामनिवास सुंडा एसीबी बाड़मेर एएसपी इन्होंने ये कहा, आज ही जो ट्रैप की कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है और परिवादी कौन है? इसमें परिवादी है जिसके पास जल जीवन मिशन में ठेके के कुछ काम था और उसका काम यहाँ बालोतरा खंड में चल रहा था और ये एक्स इंसाल जो जयप्रकाश गुप्ता है, इनके पास इनके बिल पेंडिंग थे जिसको लेके ये मिला, तो इन्होंने इनसे पैसे की मांग की थी। 2.5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, बालोतरा वालों से मैं 3 देता हूँ। 6 तारीख को प्रार्थना पत्र पर सत्यापन कराया, उस दिन ये पूरी बात की पुष्टि हुई और 2,00,000 रुपए उसने उसी टाइम ले दिए और कहा कि 1,00,000 इस हिसाब में और बाकी है। आज इन्होंने 1,00,000 रुपए इनसे लेके और कि ठीक आज तक का हिसाब हो गया, आगे के अलग से करने पड़ेंगे। और इसी दौरान परिवार दिन बाहर निकलते हमें इशारा किया और मौके से 1,00,000 रुपए बरामद कर लिए और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, परिवादी का जो ये प्रोजेक्ट है, कुल कितने का प्रोजेक्ट है, क्या कुछ बताया? इसके जो बिल है जो सत्यापन में आया है 1.21 करोड़ का है, तो उसके 2.5% से ये मांग रहा था। और भी अलग अलग ऐसे काम काफी जगह चल रहे हैं और कुछ काम पेंडिंग भी है, तो उसकी भी इसमें अभी बात वार्ता ही है कि आगे अब आज से जो आगे के बिल है उसके अलग से होंगे, आज तक का हिसाब हो गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।